वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम ऐसी दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि एक दूसरे की जानी दुश्मन है। वो गाड़ी है होंडा सिटी और होंडई की वरना, जो कि दोनों ही प्रीमियम सेडान हैं। इन दोनों के बीच में काफी हार्ड कंपटीशन रहता है। इन दोनों गाड़ियों के बीच में लोग काफी कंफ्यूज भी रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि हमें इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, डायमेंशंस और इंजन के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। मेरा वादा है आपसे वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कुछ भी। खैर, वीडियो को आगे देखने से पहले जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं हम इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स से। तो हम इनके कॉमन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सिटी और वरना दोनों में ही मिल जाते हैं। तो इन दोनों के कॉमन फीचर्स में पहला फीचर है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल विद क्रूज कंट्रोल, रियर डिफॉगर, डायमंड कट अलॉय व्हील। लेकिन वरना में 1 इंच टायर बड़ा है सिटी से। वरना में 16 इंच के मिलते हैं और सिटी में 15 इंच के। ये टॉप वेरियंट्स का टायर साइज है। टच स्क्रीन डिस्प्ले विद कार कनेक्ट टेक्नोलॉजी, सिटी में होंडा कनेक्ट विद एलेक्सा और वरना में ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिल जाती है। बेस वेरिएंट्स में 2 एयरबैग्स और टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद ऑटोमेटिक वाइपर्स, ORVMs इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड एडजस्टेबल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑल 4 पावर विंडोज विद पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, रिमोट ट्रंक ओपनर, दोनों ही गाड़ियों में संदूक भी मिल जाता है, रियर एसी बेड्स विद रियर सीट आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। ये थे कुछ सेम फीचर जो कि दोनों गाड़ियों में ही मिलते हैं। तो अब हम उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन सिटी में तो मिलते हैं लेकिन वरना में नहीं। तो वो पहला फीचर है फर्स्ट इन सेगमेंट 9 LED हेडलैम्प्स विद DRL विद टर्न इंडिकेटर्स, फुल LED फॉग लैम्प्स। लेकिन वरना में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही मिलते हैं। सिटी में एलेक्सा कार कमांडिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि एडिशनल है लेकिन वरना में नहीं है। एक और अच्छा फीचर सिटी में है जो कि वरना में नहीं है, वो 360 डिग्री कैमरा। अब हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि होंडई वरना में तो मिलते हैं लेकिन सिटी में नहीं। तो वरना का पहला बेस्ट इन सेगमेंट फीचर है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि चलती गाड़ी में पीछे के कैमरा से व्यू देख सकते हैं, 4 डिस्क्स विद 4 पार्किंग सेंसर्स, ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप और वरना में कूल्ड ग्लव बॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है जो कि सिटी में नहीं मिलता। तो अब हम बात इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की कर लेते हैं, आखिर क्या डिफरेंस है इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। तो होंडा सिटी की लेंथ है 4549 mm और वरना की लेंथ कम है 109 mm यानी कि 4440 mm। होंडा सिटी की विड्थ है 1748 mm और वरना की विड्थ कम है 19 mm यानी कि 1729 mm। होंडा सिटी की हाइट है 1489 mm और वरना की हाइट कम है 14 mm यानी कि 1475 mm। डायमेंशंस वाइज होंडा सिटी बड़ी है वरना से। अब हम बात इनके बूट स्पेस की कर लेते हैं। तो होंडा सिटी में आपको 506 लीटर्स का बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिलता है और यही वरना में केवल 480 लीटर्स का ही मिलता है। यह 26 लीटर्स कम है होंडा सिटी से। तो अब हम बात इन दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस की कर लेते हैं, आखिर कितने इंजन ऑफर किए जाते हैं इन दोनों गाड़ियों में। होंडा सिटी में 2 इंजन अवेलेबल हैं। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 119 bhp की पावर और 145 nm का टॉर्क निकालता है। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 97 bhp की पावर और 200 nm का टॉर्क निकालता है। अब बात वरना के इंजन की कर लेते हैं। वरना में 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 113 bhp की पावर और 144 nm का टॉर्क निकालता है। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 113 bhp की पावर और 250 nm का टॉर्क निकालता है। वरना का तीसरा बूस्ट इंजन है जो कि सिटी में नहीं आता, वो है 1.0 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp की पावर और 171 nm का टॉर्क निकालता है। अब बात हम इन दोनों गाड़ियों के ट्रांसमिशन की कर लेते हैं। तो होंडा सिटी में 2 ट्रांसमिशन ही आते हैं। पहला है 7-स्पीड CVT ऑटोमेटिक और दूसरा है 6-स्पीड मैनुअल। लेकिन वरना में 3 ट्रांसमिशन आते हैं। पहला है 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा है 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और तीसरा है 7-स्पीड ड्यूल क्लच DCT ट्रांसमिशन जो कि केवल इसके टर्बोचार्ज GDI इंजन में ही आता है। अब बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। तो होंडा सिटी में 5 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगे, लेकिन होंडई वरना में 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगे। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइस डिफरेंस की। इन दोनों गाड़ियों का प्राइस डिफरेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सभी मॉडल्स का। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
ना।